जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे चैनल से मिलते रहे। कमेंट्स में आपकी जो भी राय हो जरूर लिखें। और आज हम इस वीडियो में आपकी नाभि के बारे में बात करेंगे कि नाभि से जाने अपना स्वभाव और नाभि से जाने कि नाभि से क्या क्या चीज़ें खास है। सबसे पहले नंबर पे अंदर की ओर नाभि। बहुत से जातकों की नाभि अंदर की ओर होती है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। ऐसे जातक बहुत गहरा चिंतन करने वाले होते हैं। ऐसा लोग बहुत गूढ़ रहस्य जानने वाले होते हैं। इन्हें किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में या इस जीवन के बारे में या जिस भी चीज़ पर ये डूबे होते हैं, वहाँ पर इनका रहस्य जो है बहुत गूढ़ रहस्य जानकार होते हैं। ये बहुत बड़ी इनके लिए बात है। दूसरे नंबर पर आती है ज़्यादा सेंसिटिव नाभि, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी। ऐसे सेंसिटिव नाभि जिसे मैं कह सकता हूँ कि छोटी सी बात पर उनके दिल की धड़कनें और उनके पेट के जो मध्य नाभि स्थल है वहाँ पर उन्हें दबाव महसूस होता है। ऐसे जातक बहुत खुशमिजाज भी होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं और एक अलग ही इनका देखने दुनिया को देखने का नज़रिया होता है। तीसरे नंबर पर है हॉरिजॉन्टल नाभि, जैसा कि आप इसमें वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जो जातक हैं दोस्तों, मैं इन जातकों को यूनिक कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। ये ऐसे यूनिक कैटेगरी में कि जो दुनिया करती है वो काम नहीं करती हैं, उनसे हटकर कोई नया काम करते हैं, या किसी भी काम को जो हम सीधे से करते हैं ये बड़े क्रिएटिव ढंग से उन चीज़ों को करते हैं। बाहर की ओर मुँह किए हुए नाभि, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, ये जो नाभि है आमतौर पर ये बहुत सबसे ज़्यादा नाभि यही पाई जाती है। आप हमारी ये ज़्यादातर नाभि यही दिखती है, ये सामान्य स्थितियाँ हैं नाभि की। ऐसे जातक बिल्कुल सामान्य होते हैं, कोई विशेषता तो ग्रह की होती है लेकिन आमतौर पर ये सामान्य स्थिति को धारण करते हैं। बाहर की ओर जो मुँह किए हुए नाभि, इन स्थितियों को आप जो देख रहे हैं, मैं इन्हें यही हिदायत दूंगा कि आप उधार ही से बचें। जितना उधार से आप बचेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक और बात है कि ये जो जातक हैं ये बहुत दूरदर्शी होते हैं और दूरदर्शी होने के साथ साथ कई बार इनका अनुमान सही नहीं होता है। तो अनुमान लगाने से पहले दो व्यक्ति की राय जरूर लें, ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नुकसान नहीं उठाना पड़े। अब हम अगली नाभि की बात करते हैं, जो है गोल नाभि। ये जो जातक होते हैं इन्हें गलत शब्द होगा कि मैं शातिर कह दूँ, ये बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, किसी के हाथ में नहीं आते हैं। बहुत मीठे से बात करते हैं, बहुत स्वभाव से बड़े निर्मल होते हैं, इनकी खासियत है। अब अगली बात करते हैं ऊपर की ओर उठी नाभि। बहुत से जातकों की नाभि ऊपर की ओर उठी होती है। तो ये जो जातक हैं, सबसे पहली बात है कि ये जातक राष्ट्र हो या देश के लिए कुछ बड़ा काम करने के लिए होते हैं। ये प्रेरणा स्रोत होते हैं, इनकी एक सबसे मुख्य बात होती है। ये बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, स्वभाव जो होता है इनका, जिनसे दोस्ती होती है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, नहीं तो फिर ये अलग ही इनका व्यक्तित्व होता है। खड़ी नाभि, बहुत से जातकों की नाभि खड़ी होती है। ये जो जातक हैं, ये जातकों का स्थान परिवर्तन हमेशा होता रहता है। स्थान परिवर्तन होने के साथ साथ इनके साथ तकलीफ है, स्थिरता जो है उसका अभाव देखा गया है आमतौर पर। ये कहीं बार इसका विपरीत ये भी होता है कि वो छोटी जगह पर होते हैं या कोई छोटी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और बहुत बड़े नेता बन जाते हैं। तो इनके साथ सब कुछ अचानक घटित होता है। एक सबसे बड़ी बात इनके साथ ये चीज़ होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस तरह की नाभि की। ये तुरंत फायदा देने वाला और तुरंत नुकसान देने वाला काम, जो होना है अभी होना है, इसके अलावा कभी नहीं होना है। अभी में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, सामान्य शब्दों में दिखाऊँ तो। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी नाभि का कौन सा क्रमांक है, नाभि का क्रमांक आप कमेंट्स में लिखें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें। जानकारी आपको कैसी लगी ये भी लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में खुल कर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।